Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss dynamic or rheostatic braking of motors, all electric motors, means DC shunt motor, series motor and three phase induction motor. तो देखो plugging के concept क्या थी. Plugging में हम connection जो थे armature या तो फिर field के वो interchange करते थे. पिछले वाले episode में आपने देखा ही होगा. और interchange करने के बाद मोटर को अपोजिट डिरेक्शन से फोर्स लगता था, इसीलिए मोटर में रिटार्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता था और मोटर धीरे धीरे करके धीमी धीमी गति से होती जाती और उसका स्पीड रिड्यूस होता और बाद में वो स्टॉप होती, फिर हम मैकेनिकल ब्रेक्स अप्लाई करते. तो यहाँ जो भी हम डायनामिक ब्रेकिंग अभी करने वाले हैं, तो रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में कोई फील्ड या आर्मेचर के कनेक्शंस आपको रिवर्स नहीं करने पड़ेंगे. डायरेक्टली जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो ब्रेकिंग करते समय सप्लाई से डायरेक्टली आपको आर्मेचर डिसकनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ ब्रेकिंग में. तो देखो आर्मेचर अगर आप सप्लाई से डिसकनेक्ट करते ब्रेकिंग करते समय और उसके अक्रॉस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते तो आपकी ब्रेकिंग यहाँ सेटिस्फाई होगी, मतलब डायनामिक ब्रेकिंग. तो देखो यहाँ ऑपरेशन कैसे होगा. नॉर्मल रनिंग के केस में देखो, मैं पहले डीसी शंट मोटर आपको कंसिडर करके बता रहा हूँ. डीसी शंट मोटर में देखो अभी क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज कर रहा है. ये मोटर है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में ये मोटर है, ठीक है. लेकिन जब आप ब्रेकिंग करेंगे रियोस्टैटिक ब्रेकिंग तो ये मोटर का बनेगा जनरेटर, क्योंकि आप क्या करेंगे, ये आर्मेचर को सप्लाई से डिसकनेक्ट करेंगे और आर्मेचर को सप्लाई से डिसकनेक्ट करने के बाद उसके अक्रॉस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जो हीट डिसिपेट करने के लिए होगा. तो देखो अभी क्या होगा, ब्रेकिंग करते समय आप सप्लाई से ये आर्मेचर डिसकनेक्ट कर रहे, फिर भी आपका जो आर्मेचर है वो रोटेट हो रहा होगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से वो तो रोटेट हो ही रहा होगा. लेकिन आपने इसे सप्लाई से डिसकनेक्ट किया है, लेकिन फील्ड जो है, फील्ड को आपने सप्लाई में वैसा का वैसा ही रखा है, बराबर है. तो फील्ड को अगर सप्लाई में आपको आपने वैसा का वैसा रखा है तो फील्ड तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी. तो ये जो फ्लक्स है ये अभी आर्मेचर के साथ लिंक होगा म्यूचुअली, तो ठीक है. तो आर्मेचर के साथ लिंक होगा, तो अभी अभी ये जो आर्मेचर है, मतलब ये जो मशीन है, ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन में एज अ मोटर एक्ट कर रही थी. लेकिन यहाँ रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में जब आप करेंगे रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, तो ये मशीन जो मोटर थी नॉर्मल रनिंग में, वो अभी जनरेटर एक्ट करेगी, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो लिंक होगा इस आर्मेचर के साथ. और लिंक होने के बाद यहाँ क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन अभी वो बैक ईएमएफ नहीं रहेगा, वो जनरेटेड ईएमएफ ईजी रहेगा. जनरेटर का जो जनरेटेड ईएमएफ रहता है ईजी, ये वो रहेगा, ये ईबी नहीं है, ईजी है. देखो ईजी ईजी जनरेटेड ईएमएफ ईजी, ये गलती से यहाँ ईबी लिखा है मैंने. जनरेटेड ईएमएफ ईजी अभी यहाँ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये फ्लक्स आर्मेचर के साथ लिंक होगा. तो जनरेटेड ईएमएफ अगर यहाँ प्रोड्यूस होता है, तो जनरेटेड ईएमएफ जब प्रोड्यूस होता है तो आर्मेचर करंट की जो डायरेक्शन है वो अभी रिवर्स होगी. मतलब सबसे पहले आर्मेचर करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, अभी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन देखो ऐसी रिवर्स हो गई है. मतलब ये जो जनरेटेड ईएमएफ है और आर्मेचर करंट अभी एक ही डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि अभी मोटर एज अ जनरेटर एक्ट कर रही है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये जनरेटर अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेगा, यहाँ से फ्लक्स लेके, फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स लेके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में होगा. आगे रेजिस्टर आपने कनेक्ट किया है तो हीट एनर्जी में उसका कन्वर्जन होगा. तो स्पीड इनर्शिया की वजह से जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो स्पीड इनर्शिया की वजह से उसने स्पीड, मोटर का स्पीड तो हाई ही है, सप्लाई डिस्कनेक्ट किया लेकिन मोटर ने स्पीड तो पकड़ ही लिया है, बराबर है. तो उस स्पीड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है, क्योंकि वो जो स्पीड है वो जनरेटर के लिए एज अ प्राइम मूवर रहेगा. मतलब जो स्पीड इनर्शिया की वजह से वहाँ जो स्पीड मोटर ने पकड़ा हुआ था पहले, तो वो एज अ प्राइम मूवर जनरेटर के लिए रहेगा और जनरेटर, मोटर एज अ जनरेटर एक्ट करेगा. और जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट रिवर्स होती है, तो आर्मेचर की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी और धीरे धीरे गति से वो जो स्पीड है वो अभी रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि ये मोटर एज अ जनरेटर जब एक्ट होती है तब क्या होता है, रिटार्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो वो रिटार्डिंग टॉर्क स्पीड को अपोज करेगा. तो रिटार्डिंग टॉर्क तो जैसा का वैसा कॉन्स्टेंट ही रहेगा और रिटार्डिंग इफेक्ट कम कम होते जाएगा. रिटार्डिंग इफेक्ट कम कम होता जाएगा मतलब स्पीड रिड्यूस होता जाएगा, रिटार्डिंग टॉर्क जैसा है वैसा, लेकिन रिटार्डिंग इफेक्ट कम कम होता जाएगा और स्पीड रिड्यूस हो जाएगा. तो जैसे जैसे स्पीड कम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको ये जो स्लाइडर है रेजिस्टर का वो कम कम करना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टर आपको कट ऑफ करना पड़ेगा धीरे धीरे सर्किट से. जैसे स्पीड धीरे धीरे गति से रिड्यूस होता, तो स्पीड जैसे रिड्यूस होता है तो इसके प्रोपोर्शन आपको ये रियोस्टैट कम कम करना पड़ेगा, ठीक है.
तो ये कंसेप्ट है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग के लिए। तो रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में क्या हो रहा है, सप्लाई से हम आर्मेचर को डिसकनेक्ट कर रहे हैं। देखो प्लगिंग में क्या हो रहा था, हम आर्मेचर को सप्लाई कनेक्ट करके रखे थे, मतलब सिर्फ हमने आर्मेचर के टर्मिनल्स वहाँ रिवर्स किए थे, लेकिन सप्लाई तो कनेक्ट ही था इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करते समय। तो यहाँ सप्लाई कनेक्ट है लेकिन सिर्फ सप्लाई फील्ड को कनेक्ट है, आर्मेचर को कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ जो पावर सप्लाई से यहाँ ड्रॉ की जा रही है पावर, वो कम की जा रही है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज वेरी वेरी लेस, ओनली पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई इज ओनली फॉर द फील्ड वाइंडिंग इन केस ऑफ रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, एंड इन केस ऑफ प्लगिंग पावर ड्रॉन फ्रॉम द मोटर इज ऑल्सो फॉर फील्ड वाइंडिंग एंड ऑल्सो फॉर आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोनों के लिए वहाँ वो पावर ड्रॉ कर रहा होगा ब्रेकिंग के समय, यहाँ सिर्फ फील्ड के लिए पावर ड्रॉ किया कर रहा होगा। तो यहाँ वह पावर लॉस जो है वो कम होगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में, ठीक है। अभी एक बात कंसीडर करो कि सप्लाई से अगर ये फील्ड बाय चांस डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो अगर ये फील्ड सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये फ्लक्स जो है वो जनरेटर के साथ लिंक नहीं होगा। तो फ्लक्स ये लिंक नहीं होगा आर्मेचर के साथ, तो ये आर्मेचर मतलब ये जो मशीन है वो जनरेटर जैसा एक्ट नहीं करेगी अगर बाय चांस ये सप्लाई फेल होता है फील्ड का, तो ब्रेकिंग करते समय। तो आपके लिए तो आपको एक अल्टरनेट अरेंजमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी आर्मेचर के सीरीज में, आपको एक तो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग अगर आपने आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट की, अगर सप्लाई फेल होता है फील्ड का और आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट प्रोवाइड करनी है, तो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपको आर्मेचर के सीरीज में प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब आप ब्रेकिंग करेंगे तभी। मतलब नॉर्मल रनिंग में आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट नहीं रहेंगी, लेकिन रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में वो कनेक्ट रहेगी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में। तो क्या होगा, बाय चांस अगर फील्ड का सप्लाई फेल हो जाता है तो ये इसके साथ फ्लक्स लिंक तो लिंक नहीं हो पाएगा ये फ्लक्स इसके साथ आर्मेचर के साथ, अगर ये फील्ड का सप्लाई चला जाता है तो आर्मेचर के सीरीज में वो जो फील्ड वाइंडिंग आप डालेंगे ब्रेकिंग के समय, तो वो उस समय काम में आएगी, उसका जो फ्लक्स होगा वो इसके साथ लिंक होगा आर्मेचर के साथ और फिर जनरेटिंग एक्शन होगी। नहीं तो ये जो मशीन है ये जनरेटर एज अ एक्ट नहीं करेंगी अगर ये सप्लाई फेल होता है और आप बीच में ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ नहीं डालते, तो क्या होगा, सप्लाई फेल होने के बाद ये एज अ जनरेटर एक्ट नहीं करेगा, फिर रिटार्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और रिटार्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा, और फिर इसको आर्मेचर को रुकने में बहुत ही देर लगेगा, और उतनी देर में तो आपकी रेलवे आगे चली जाएगी। मतलब मुंबई से पुणे आप रेलवे को जाना है और पुणे स्टेशन में उसे रुकना है, तो वो पुणे स्टेशन में नहीं रुकेगी, वो आगे जाकर कहीं उसका इनर्शिया जो है मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो ख़त्म होने के बाद फिर रुकेंगी। उसको काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हमें ये प्रोविजन करना है कि इसका जो फ्लक्स है ये इसके साथ लिंक करे, ताकि ये जो मोटर पहले मोटर एक्ट कर रही थी वो जनरेटर एक्ट करे और रिटार्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो डीसी शंट मोटर के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, वैसे डीसी सीरीज मोटर के लिए देखो डीसी शंट मोटर जो है वो ब्रेकिंग करते समय क्या हो रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एज अ एक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो फील्ड सेपरेट है आर्मेचर सेपरेट है, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एज अ वो एक्ट कर रहा है। और फील्ड को सप्लाई आप मेन सप्लाई से दे सकते हैं या तो कहीं अल्टरनेट सप्लाई फील्ड के लिए जब आप ब्रेकिंग करेंगे तब प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब थ्रू रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, तो वहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी डीसी सीरीज मोटर के लिए देखो, डीसी सीरीज मोटर में नॉर्मल रनिंग में ये सर्किट रहेगा, बराबर है। तो देखो अगर आपको ब्रेकिंग करना है डीसी सीरीज मोटर का, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करना है, तो आर्मेचर बाहर निकाल के उसके अक्रॉस अगर आपने रियोस्टैट कनेक्ट किया, तो फिर क्या होगा, ये ऐसा एक्ट करेगा, मतलब रियोस्टैटिक ब्रेकिंग विथ सेपरेट एक्साइटेशन, मतलब डीसी सीरीज मोटर ब्रेकिंग करते समय फिर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जैसा एक्ट करेंगी रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेल्फ एक्साइटेशन देने का वहाँ सोचा, तो सेल्फ एक्साइटेशन आप कैसे देंगे, ये जो फील्ड का टर्मिनल है, तो फील्ड का टर्मिनल आपको रिवर्स करना पड़ेगा एट दैट टाइम। फील्ड की टर्मिनल क्यों रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो फील्ड में से करंट ऐसा जा रहा है आर्मेचर में से बाहर निकल रहा है, बराबर है। लेकिन जनरेटिंग एक्शन अगर हमने कंसीडर की, मतलब ब्रेकिंग हो रही है, तो ब्रेकिंग के समय ये मोटर एज अ जनरेटर एक्ट करती है, तो मोटर जब जनरेटर एज अ एक्ट करती है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट रहता है वो रिवर्स होता है। मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है आर्मेचर करंट, तो जनरेटिंग एक्शन होगी तो ऐसे जाएगा आर्मेचर करंट, और जनरेटिंग ईएमएफ ईजी ऐसे ही लगेगा, जैसे बैक ईएमएफ लगता है वैसे ही लगेगा, लेकिन आर्मेचर करंट की डायरेक्शन अभी रिवर्स होगी जनरेटिंग एक्शन में। तो अगर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो फील्ड में तो रिवर्स करंट जाएगा, अगर फील्ड के टर्मिनल्स हमने रिवर्स नहीं किए तो फील्ड में रिवर्स करंट नहीं जाना चाहिए, फील्ड में सेम वैसा ही करंट जाना चाहिए जैसा पहले जा रहा था नॉर्मल रनिंग में। इसीलिए
हमें एट दैट टाइम जब हमें सेल्फ एक्साइटेशन देना है डीसी सीरीज मोटर की ब्रेकिंग करते समय, अगर हमें सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जैसा उसे एक्ट करना है ब्रेकिंग के समय, तो एट दैट टाइम आपको फील्ड के टर्मिनल रिवर्स करने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो फील्ड के टर्मिनल रिवर्स करने के बाद वही सेम डायरेक्शन फील्ड की जो है वो यहाँ मिलेगी, लेकिन सेल्फ एक्साइटेशन जब आप करेंगे तब सप्लाई को फील्ड कनेक्ट नहीं रहेंगी, मतलब फील्ड की जो रेटिंग है वो हायर रेटिंग होनी चाहिए, फील्ड ने इतना ज़्यादा फ्लक्स स्टोर किया होना चाहिए, मतलब सप्लाई से फील्ड भी डिस्कनेक्ट हो रही है एट दैट टाइम, और सेल्फ एक्साइटेशन यहाँ मिल रहा है। तो इस फील्ड को आप सेपरेटली एक्साइटेड कर सकते हैं डीसी सोर्स से, और बाद में आर्मेचर को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू रेजिस्टर। और ये रेजिस्टर किस लिए है, काइनेटिक एनर्जी का डिसिपेशन होना चाहिए हीट एनर्जी में, इसके लिए ये रेजिस्टर लगा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, जनरेटेड ईएमएफ यहाँ आ रहा है, इसीलिए जनरेटर जैसा मोटर एक्ट कर रही है ब्रेकिंग में, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ये रेजिस्टर डिसिपेट करेगा, और फिर वो एनर्जी का वेस्ट हो जाने के बाद आपका स्पीड रिड्यूस होगा, मतलब एनर्जी वेस्टेज तो हो ही रही है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है प्लगिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में, यहाँ सप्लाई सिर्फ फील्ड के लिए लग रहा है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग के लिए फील्ड के लिए सप्लाई लग रहा है मेन सप्लाई, नहीं तो सेपरेट सप्लाई हम फील्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हमारा जो आर्मेचर है वो ब्रेकिंग करते समय सप्लाई को कनेक्टेड नहीं है जैसा प्लगिंग में था। ठीक है, तो देखो सीरीज मोटर का प्लगिंग सॉरी रियोस्टैटिक ब्रेकिंग अगर आपको करना है तो आपके पास दो मेथड है, अगर आप सेल्फ एक्साइटेशन देके भी आप रियोस्टैटिक ब्रेकिंग कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर की, नहीं तो उसे सेपरेट एक्साइटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फील्ड सेपरेट और आर्मेचर सेपरेट, मतलब जैसा यहाँ हो रहा था डीसी शंट मोटर एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एक्ट कर रही थी, वैसे ही डीसी सीरीज मोटर एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यहाँ एक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन आर्मेचर के सीरीज में आपको एक अल्टरनेट आप वाइंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं फील्ड वाइंडिंग, अगर बाय चांस ये फील्ड का सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है तो वो फील्ड वाइंडिंग आपको काम में आएगी। ठीक है, तो ये डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर के लिए रियोस्टैटिक ब्रेकिंग अभी तक हमने पढ़ा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजिस्टर आपने कनेक्ट किया है सर्किट में, इसकी जो रेटिंग है, मतलब रेजिस्टर आपने सर्किट में कनेक्ट किया है, तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर उसे नहीं करना चाहिए, अगर उसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर किया तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर के अक्रॉस आ जाएगा, इसीलिए फिर ये फील्ड में से फ्लक्स यहाँ लिंक नहीं होगा, अगर पूरा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस आता है तो फील्ड में से फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जनरेटर जैसा एक्ट नहीं करेगी ये मशीन, और ब्रेकिंग फेल हो जाएगी, मतलब जहां आपको स्टॉप करनी है गाड़ी, मतलब रेलवे जब जहां आपको स्टॉप करनी है वहां वो स्टॉप नहीं हो पाएगी मोटर एज अ जनरेटर अगर एक्ट नहीं हुआ तो, और रिटार्डिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से नीचे ही आपका रेजिस्टेंस हमेशा होना चाहिए जो हीट के लिए हीट डिसिपेट करने के लिए हमें लग रहा है, और जैसे जैसे हमारा स्पीड रिड्यूस होगा वैसे वैसे आपको ये रियोस्टैट कम कम करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात ऑलवेज नोट करो, मोटरिंग एक्शन में बैक ईएमएफ जनरेट होता है, और जनरेटर मोटर जब जनरेटर जैसा एक्ट करेगी तब जनरेटेड ईएमएफ ईजी जनरेट होता है, ये बैक ईएमएफ ईबी था, ये जनरेटेड ईएमएफ ईजी है, इतना ध्यान में रखो, ये भी जनरेटेड ईएमएफ ईजी ही है। ठीक है, अभी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए रियोस्टैटिक ब्रेकिंग कैसे करते हैं देखो, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम डीसी मोटर बनाते हैं रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करने के लिए, मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है तो स्टेटर को हम अभी डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्टेटर को नॉर्मल कंडीशन में एसी सप्लाई प्रोवाइड होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, आपको पता है, तो अभी सेपरेट उसे हम डीसी सप्लाई, वो एसी सप्लाई निकालते हैं ब्रेकिंग जब हम करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, तो वो एसी सप्लाई निकाल के वहाँ हम डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस पोलैरिटी का डीसी सप्लाई हम कनेक्ट करते, तो हम ऐसे फोर सर्किट से, मतलब बहुत सर्किट से ऐसे कि डीसी सप्लाई हम इसी बहुत सारे वेज है, तो बहुत सारे वेज से हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते। तो पहला वाला वे कैसा है देखो, ये थ्री वाइंडिंग से आर वाई बी वाइंडिंग, तो बी और वाई वाइंडिंग दोनों कनेक्ट किए हमने, और यहाँ निगेटिव पोलैरिटी रखी और यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी लगी सप्लाई की, मतलब करंट डीसी करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आधा जा रहा है आधा यहाँ से जा रहा है और बाहर निकलकर यहाँ से आ रहा है डीसी करंट, ये सर्किट हुआ। अगर ऐसा हुआ तो ये भी सर्किट हो सकता है, ये डेल्टा कनेक्टेड, तो ऐसा प्लस पोलैरिटी का सप्लाई, यहाँ माइनस पोलैरिटी का सप्लाई, यहाँ से करंट आएगा आईडीसी, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर यहाँ देखो तीनों जो वाइंडिंग्स है वो सीरीज में कनेक्ट करके हम डीसी सप्लाई दे सकते हैं ब्रेकिंग करते समय, यहाँ से आईडीसी करंट फ्लो हुआ, यहाँ से ऐसा पूरा आईडीसी करंट फ्लो हुआ,
और ये भी हम कर सकते हैं कि ये जो तीनों वाइंडिंग है, या तीनों वाइंडिंग में से किसी दो वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से आईडीसी करंट आएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। तो ये जो है, ये एसी सप्लाई के लिए ये वाइंडिंग्स रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। स्टेटर की वाइंडिंग्स को हम एसी सप्लाई देते, लेकिन जब ब्रेकिंग करेंगे तब इस स्टेटर की वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे, और डीसी सप्लाई देने के बाद वो एज अ फील्ड एक्ट करेंगे, मतलब स्टेशनरी फील्ड जैसा वो अभी एक्ट करेंगे। तो स्टेशनरी फील्ड जैसा वो एक्ट करेंगे डीसी सप्लाई देने के बाद, और उस फील्ड का फ्लक्स जो है वो रोटर के साथ लिंक करेगा, और जो रोटर रोटर है तो वो रोटर आर्मेचर जैसा एक्ट करेगा। अगर हमारी ये स्टेटर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग जैसा एक्ट कर रही है ऐसा, तो जो रोटर रहेगा तो वो आर्मेचर बनेगा फिर, तो रोटर एज अ आर्मेचर वहाँ बनेगा। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो ब्रेकिंग है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, वो इस तरह से की जाती है। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को डीसी मोटर में कन्वर्ट किया जाता है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। और काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर कन्वर्जन होगा, रोटर जो आर्मेचर है वो करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन एट दैट टाइम, क्योंकि वो जनरेटर जैसा एक्ट करेगा, और वो जो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिएगा। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगर होगी, तो एक्सटर्नली हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते, वहां से वो हम कनेक्ट कर सकते। ठीक है, लेकिन ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते, तो हीट वहाँ डिसिपेट होगी और स्पीड रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हम कंसीडर करते स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते, बराबर है। जो हमारा मतलब इंटरनल जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है, तो वही रेजिस्टेंस हीट डिसिपेट करने के लिए वहाँ रहेगा। एक्सटर्नली हम कोई भी रेजिस्टेंस रोटर के साथ इंसर्ट नहीं कर सकते, इंटरनल जो भी रोटर का रेजिस्टेंस रहेगा तो उसके साथ हीट हीट डिसिपेट होगी फिर। ठीक है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करनी है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा टाइप हमारे लिए इजेंशियल है, तो इट इज स्लिप रिंग टाइप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इतना आप ध्यान में रखो। ठीक है, और ये जो भी डीसी एक्साइटेशन आप प्रोवाइड करने वाले स्टेटर को, तो वो आप कहाँ से प्रोवाइड कर सकते, मेन डीसी सप्लाई अगर आपके पास होगा तो वहाँ से, नहीं तो फिर रेक्टिफायर से आप वो प्रोवाइड कर सकते डीसी सप्लाई। ठीक है, तो आपके पास ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के लिए कि डीसी सप्लाई भी आप प्रोवाइड कर सकते ब्रेकिंग के समय, और जब नॉर्मल रनिंग कंडीशन होगी तब एसी सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकते। ऐसी अरेंजमेंट फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के लिए प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो डीसी सप्लाई देंगे, तो ये स्टेशनरी फील्ड जैसी एक्ट करेंगी आपका जो स्टेटर है वो, और रोटर आर्मेचर जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो डीसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को प्रोवाइड करने करने के बाद क्या होगा, ये स्टेशनरी फील्ड जैसा एक्ट करेगा और रोटर आपका आर्मेचर जैसा एक्ट करेगा, तो रोटर का जो करंट है वो रिवर्स होगा। तो रोटर का करंट रिवर्स होगा क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो स्टेशनरी रहेगी, तो स्टेशनरी फील्ड होगी और रोटर रोटर जो रहेगा वो आर्मेचर रहेगा। रोटर का करंट रिवर्स होगा, और रोटर का करंट रिवर्स होने के बाद वहाँ ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होगा, और ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होने के बाद जो आपका स्पीड है रोटर का वो कम कम होने लगेगा, और बाद में रिड्यूस होकर वो जीरो तक आएगा। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग ब्रेकिंग टॉर्क जब उसे लगता है तब की जाती है, मतलब ब्रेकिंग टॉर्क लगता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को जब आप डीसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है डायनामिक और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग की, सारे मोटर्स के लिए हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।